हेलो, आप सबको गुड मॉर्निंग। और संडे वाला जय जीशु, खजूर पर्व वाला जय जीशु, है ना। आज खजूर पर्व है, उसके बाद भी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ। हाँ, तो सर जी जो है वो नाइट शिफ्ट करके जस्ट अभी आए ही हैं, तो वो फटाफट फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, तब तक मैं वीडियो शुरू कर देती हूँ। वो इसलिए कि देर हो रही है ना, और भाई समय पर ना पहुँचे तो अच्छा भी नहीं लगता है। और मैं मुझे ये कहना है कि राखबुद्ध के समय से हमारा जो चालीसिया काल शुरू हुई थी, हाँ, तपस्या का समय शुरू हुई थी, और इस यानी कि आज खजूर रविवार के दिन से हम लोग पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर जाएंगे, है ना। और मैं जिस तरह से बोली अभी कि पवित्र सप्ताह हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, तो जो हम ख्रिस्तीय भाई बहन हैं, हम लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं है। गुड फ्राइडे सारे लोग जानते हैं ना, लेकिन हमारा जो है वो धर्म विधि जो है वो बृहस्पतिवार से शुरू होती है। इसलिए खजूर रविवार के बाद पूरे सप्ताह को हम लोग पुण्य काल मानते हैं, है ना, शुभ मानते हैं। जिस तरीके से कि शुक्रवार को गुड फ्राइडे मानते हैं, उसी तरह से बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और जो रविवार का सुबह है उसे हम लोग प्रभु येसु ख्रिस्त का जी उठान मानते हैं, हाँ, जी उठना मानते हैं। तो चलिए, आप लोग बने रहिए देर ना करते हुए, और सर जी आते तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को मिलवा दूंगी। और आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से मना रहे हैं आप लोग कॉमेंट जरूर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोपहरी दौल्ला, और आप सबों को खजूर रविवार का हार्दिक हार्दिक शुभकामना हो, और जय यीशु सबों को। ठीक है, चलिए देरी हो रहा है, चलते हैं गिरजा मिलते हैं। और यहाँ पर हम लोग गिरजा पहुँच चुके थे, और यहाँ गिरजा शुरू हो चुकी थी, ये प्रवेश भजन यहाँ पर गाया जा रहा था। हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सचन आप सबको प्राप्त हो। सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर, जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। और जिस तरीके से आप लोग देख पाए, फादर आशीष की प्रार्थनाएं पढ़ी और खजूरों पर आशीष दे रहे हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ आए हुए जितने भी भक्तगण हैं सभी के हाथों में खजूर की डालियाँ थी, और उन सब डालियों पर फादर के द्वारा आशीष दी गई, और पूरे जगह जो है वहाँ जय जयकार से गूंज उठी, गानों से गूंज उठी। तो आप लोग बने रहिए और सुनिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु की जय, प्रभु की जय।
आइए आज के सुसमाचार पाठ को हम श्रद्धापूर्वक सुने। सभी कोई बैठ जाएंगे। जो लोग रंग, जाति, धर्म और भाषा के कारण दूसरों से दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरह के भेदभाव उनके मन में ना रहे और वे मानव जाति की एकता और विश्व बंधुता को बढ़ावा दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। खजूर को हिलाइएगा तब ना। हाँ सब 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 चलिए आ गए सब कोई। गिरजा वगैरह खत्म हो गया। चलिए अब किन किन लोगों से मैं मिलवा सकती हूँ आप सबों को मिलवाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। हाँ देखिए सब कोई गिरजा के बाद निकल गए हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। आप लोग बोलते नहीं तो खुश पर्व तो बोलिए। सब चुन्नू मुन्नू चिकनी मिकनी सब आएगी। हाँ मैया खुश पर्व नहीं बोलेगी। निकल करके एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। सबका एक बार घुमा के दिखा देते हैं। सारे लोग देखिए दूर दूर तक है ना। अरे काला है ना निंजूता। हाँ देखिए सब खुश पर्व तो कोई नहीं बोलता है भाई। जब तक खुश पर्व नहीं बोलेगा तब तक थोड़े पूरा होगा। चलिए हैप्पी पाम संडे बोलेगा तब ना। हैप्पी पाम संडे। चल देखिए ये हटाइए। हाँ चल खजूर से जो डिजाइन पीछे हो गया सामने कीजिए। खजूर का खूब सुंदर सा बना हुआ है। सब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। एक रहो ना तो साथ में। हाँ चलो तो केवल आप लोग खड़ा रहते कुछ बोलते नहीं है। बस इतना ही तो बोल। जय श्री खुश पर्व। कब आई रे कल।
कुछ नहीं बोलते आप लोग, खाली खुश पर्व ने कल खड़ा रहे सब। देखिए सब एक दूसरे से मिलजुल रहा है, है खुश पर अब भी नहीं बोलते, खाली फोटो वीडियो निक बना देते हैं आप लोगों का। खुश पर अब बोलिए, केवल वीडियो बना देंगे बस। सब गिरजा खत्म होने के बाद है ना मजे मस्ती करते हुए। ये दोनों जो बड़ी है वे भी ट्विंस है और ये छोटे लोग भी ट्विंस है भाई। हाँ ये दोनों ट्विन, छोटी दोनों ट्विन स्क्वायर और सेम बर्थडे भी, गजब स्क्वायर सेम बर्थडे है। अरे वाह वाह बधाई हो भाई तुम लोगों को। हम लोग क्यों बचते लास्ट में, हम लोग भी आ गए इसी में है ना। चलिए और अब पर्व की तैयारी कीजिए जोर शोर से, पूरे एकदम जोर शोर से, बस इन्ना थी में एकदम से मूर्ख तैयारी नन्ना रही। हाँ ठीक। और चर्च वगैरह खत्म हो चुके थे, उसके बाद वापसी के समय बाइक से है ना, क्योंकि मैदान में हुए थे तो कार नहीं ले गए थे, बाइक से हम लोग गए हुए थे। और ये खूबसूरत से नज़ारे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ये वीडियो आप लोगों को आज का पाम संडे वाला कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और आते वक्त ये मैं बाइक से बना रही थी और ये खूबसूरत लग रहे थे, तो मैं जैसा मर्जी वैसा अपना मोबाइल घुमा के मैं बना रही हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रा आप लोग बतलाने की कोशिश कीजिएगा है ना, और कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये पाम संडे वाला वीडियो हर जगह से आएगा। तो आप सब उनको मेरा वीडियो कैसा लगा, और पसंद आने पर उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए मैं आप सब उनसे विदा लेती हूँ है ना, बाय बाय, फिर मिलेंगे, वादा रहा, ठीक है।